हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की जानी चाहिए। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि काफी बच्चों के पास ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कुछ वक्त का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने में किया जाए। एक बड़ी मांग सीबीएसई से, सरकार से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सब बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सीबीएसई को पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करनी चाहिए और दूरदर्शन पर पाठ्यक्रम पढ़ाने में कुछ समय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को मैं नहीं चाहूंगा कि वहां बुलाया जाए अभी बच्चों को, जब तक वहां स्कूलों को खाली करके पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। बच्चों को बुलाना किसी भी तरह से सेफ नहीं होगा। तो ऐसे में एक ही तरीका बचता है कि हम सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करें और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्जाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था। दूसरा सुझाव मैंने उनको ये दिया है कि अब क्योंकि काफ़ी समय बच्चों का लॉकडाउन में बर्बाद हो गया है, हम चाहे जितना कह लें ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चे अपना सेल्फ ट्यूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट बंद हैं, स्टेशनरी बंद हैं, किताबें बंद हैं, फैसिलिटीज़ बंद हैं, लोगों का आना जाना संभव नहीं है, तो बच्चों का नुकसान तो हो रहा है। वैसे में हमें अपने स्टैंडर्ड नीचे लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करें, और उस 30% की कटौती को सिर्फ सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ना करें, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ना करें खाली, बल्कि उसके बेस पे होने वाले एग्जाम्स, जो अगली यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स हैं, जेई के एग्जाम हैं, उन सब में भी इसको लागू करें। ये मैंने उनको एक सुझाव दिया है, और इसी तरह से उनको सुझाव दिया है कि बाकी जितने बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के पास में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। दिल्ली में हमने देखा है कि 68% बच्चों के पास में, हमने एक सर्वे किया था सभी बच्चों से, तो 68% बच्चों के पास में ऑनलाइन सिस्टम इजीली उपलब्ध है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके करते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा वर्क रह जा रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जो कि फ्री टू एयर भी है और सभी लोगों को उपलब्ध भी है और सरकारी सिस्टम है, जनता के टैक्स के वजह से चलता है, तो इसको अभी एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए। और हमने दिल्ली की तरफ से भी 3 घंटे का समय ऑल इंडिया रेडियो FM पर और 3 घंटे का समय दूरदर्शन पर मांगा है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।